मथुरा से खबर है जहां पर वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। मुंगेर मंदिर परिसर से हरे राम संकीर्तन के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा राधा मोहन मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए मुख्य मंदिर से मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंची, जहां राजीव शर्मा ने श्रीमद् भागवत की पूजा अर्चना की और पूजन के बाद कलश की स्थापना की। कथा व्यास पंडित राम उपाध्याय ने अपने प्रवचनों में उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत पुराण की जानकारी देते हुए उनकी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मानव जीवन में एक जन्म नहीं अपितु हमारे कई जन्मों के पापों का नाश होता है और हमारे शुभ कर्मों का उदय होता है, ऐसी बातें कही। हाँ जी, क्या नाम है आपका? श्री राम उपाध्याय। आज यहाँ कलश यात्रा निकाली गई है, क्या कुछ विशेष कार्यक्रम है और कितने दिन का रहेगा? हाँ जी, सावन मास के उपलक्ष्य में भगवान की बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का सप्त दिवसीय आयोजन हो रहा है, तो सभी भक्तों ने आज आकर के प्रथम दिवस कलश यात्रा में भाग लिया। बड़े आनंद के साथ सभी भक्तों ने कलश यात्रा निकाली है और यह श्रीमद् भागवत जो कि इस कलयुग में साक्षात भगवान का स्वरूप है और जो कि इस कलयुग में साक्षात कृपा करने वाली, कल्याण करने वाली वह श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर और भव्य आयोजन हो रहा है मथुरा रोड मुंगेर मंदिर श्री धाम वृंदावन में। तो सभी भक्त आमंत्रित हैं, जो भी भक्त इस कथा का आनंद लेना चाहे वो आ सकता है और अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। अगर हम भागवत की बात करें तो भागवत है क्या? जो भागवत से मूल आधार क्या निकलता है मनुष्य के प्रति? मनुष्य के प्रति मूल आधार ये है कि भागवत ऐसा ग्रंथ है इस कलयुग में जो कि 7 दिन श्रवण मात्र से ही, केवल सुनने मात्र से ही जीव को प्रभु के धाम की प्राप्ति हो जाती है। यदि भक्त 7 दिन अपने मन से, हृदय से इस भागवत को श्रवण करता है तो उसको सहजता में ही भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ये भागवत का ग्रंथ है जो कि साक्षात ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी का तेज ही भागवत जी में विराजमान है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।